न्यूज 18 इंडिया पर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए बड़ी जानकारी सामने आ गई है, इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को यह झटका दिया है, कहा कि मेरा कोई भी प्रस्ताव नहीं माना गया और बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी भड़की हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी उनकी तरफ से बात कही गई थी कि जब बैठक में कोई बात वो रखती हैं तो उनके प्रस्ताव को नहीं माना जाता। और इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी भी किस तरीके से ममता बनर्जी पर और बंगाल की शासन प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। ऐसे में इंडी गठबंधन को ये बहुत बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अकेले ही वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने रखे, कोई भी प्रस्ताव उनका माना नहीं गया। ये नाराजगी है उनकी और यही वजह है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिए गए। और बंगला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है और 300 सीट में आप अकेला लड़ो हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो देखिए ये बयान आपने सुना और ममता बनर्जी ने ये बयान देकर कल ही साफ कर दिया था कि वो कहती हैं कि रीजनल पार्टी पर भरोसा जताया जाए क्योंकि वही पार्टी मजबूत स्थिति में है और इसी से आप लोकसभा चुनाव जीतेगा। लेकिन लगातार जब भी मीटिंग होती थी इंडी गठबंधन की जब भी मीटिंग होती थी, ममता बनर्जी कह रही है कि उनको डिसरिस्पेक्ट यानी उनका असम्मान किया जाता था। और न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी आशिका इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, ममता बनर्जी ने हिंट तो पहले ही दे दिया था कि उनकी बात नहीं मानी जाती, उनका सम्मान नहीं किया जाता और अब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। बिल्कुल, बड़ा ऐलान है ये ममता बनर्जी का, साफ कर दिया है कि बंगाल में अकेला चलो की नीति पर ही टीएमसी चलेगी। उन्होंने साफ कहा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में होने के बावजूद टीएमसी को ममता बनर्जी को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ममता ने साफ कहा है कि हमने शुरू में ही उनको प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अब हमने मन बना लिया है कि हम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटें देने को तैयार थी ममता बनर्जी कांग्रेस को राज्य में, जो कि उनके पास पहले से थी वही 2 सीटें, लेकिन कांग्रेस इस पर मंजूर नहीं था। कांग्रेस को ये, कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, अधीर रंजन चौधरी के बयान आ रहे थे कि इसे लेकर के वो खुश नहीं है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले ही टीएमसी चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। और बंगाल में एक बार की नीति पर चलती हुई टीएमसी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से आलोचना की गई, 10 से 12 सीटें कांग्रेस की ओर से मांगी गई थी टीएमसी की ओर से, ऐसे में इंडी अलायंस जो है इसमें आप टीएमसी का रोल अब कैसे देख रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने अभी भी ये कहा है कि नेशनल लेवल पर चुनाव में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन बंगाल में अकेले लड़ेंगे। जो 2 सीटें जो कांग्रेस के पास पहले से थी वही देने को तैयार थी ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सीटें ज्यादा मांग रही थी, जिसे लेकर के अभिषेक बनर्जी भी पहले ट्वीट कर चुके हैं कि असम में छोटे से चुनाव में जो है
कांग्रेस का वोट परसेंटेज टीएमसी से कम रहता है, ऐसे में वो बंगाल में कैसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसे लेकर के नाराजगी ममता बनर्जी ने भी आज दिखाई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये रैली है वो पश्चिम बंगाल में आ रही है, लेकिन इसके बारे में उनको कोई सूचना दी नहीं जाती है, जबकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में एकला चोलो की ही नीति पर टीएमसी टिकी रहेगी और सभी जो 42 सीटें हैं उस पर टीएमसी ताल ठोकेगी, और भले ही कांग्रेस उनके सामने हो लेकिन बंगाल में टीएमसी अकेले ही चलेगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है इंडी गठबंधन में, बड़ी दरार, क्योंकि ममता बनर्जी वही सबसे बड़ा चेहरा इस गठबंधन का थी, जिन्होंने झटका दिया है, बड़ा झटका कांग्रेस को। और अब तक ममता बनर्जी ने कहा है कि चाहे कुछ भी खबरें चले, के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमिताभ, हम लगातार देख रहे थे ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रही थी, नाराजगी उनकी साफ तौर पर झलक रही थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं आप? यहाँ पर यह भी बताइए कि ममता के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होगा, लोकसभा चुनाव की लड़ाई क्या ऐसे लड़ी जाएगी अब? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है इंडी गठबंधन के लिए, खासकर तब जब राहुल गांधी असम में जद्दोजहद कर रहे हैं और बंगाल में उनकी यात्रा घुसने वाली है। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने यह सीधा संकेत दे दिया कि उनकी बातें नहीं सुन रहा है इंडी गठबंधन, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ये राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके दो पहलू हैं। ममता बनर्जी लगातार पिछले कई महीनों से कह रही थी कि जिस सीट पर लेफ्ट जीती है, जिस सीट पर कांग्रेस जीती है, उतनी सीटें वो उनको देने को तैयार हैं, बाकी उन सीटों पर वो उनको जीत दिलवा देंगी बंगाल में। यानी दो सीट कांग्रेस जीती थी, एक आध सीट अगर लेफ्ट की थी तो वो जीतती, लेकिन बाकी सीटें ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन लड़ने दे ताकि इंडी गठबंधन दिल्ली में मजबूत हो सके। उनका यह कहना था कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, जो जहां मजबूत हो वो अपने हिसाब से, अपने मजबूती के हिसाब से सीटें लड़े। ये बात कांग्रेस को गवारा नहीं थी, उनको लग रहा था कि सारा अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरे भारत का उनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ एकजुट होता चला जा रहा है, जो लोकसभा में और ज़्यादा एकजुट होगा। इसी अल्पसंख्यक वोट बैंक का सबसे बड़ा खतरा बंगाल में ममता बनर्जी की टीम को होता अगर अल्पसंख्यक अगर झुकता कांग्रेस की तरफ। यही खतरा अखिलेश यादव को है, जो कि जिन्होंने कुछ सीटें मांगी थी मध्य प्रदेश में, और कमल ने कहा था अखिलेश की बातें छोड़ो। तो यूपी में भी मुश्किल, बंगाल में भी मुश्किल। बीजू जनता दल पहले ही कह चुका है वो न्यूट्रल है, अगर केसीआर की बात करें वो अलग हो चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी उनके साथ नहीं है। अगर उसके बाद अगर बिहार में ये तो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर, और बिहार में जो मारामारी चल रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अब इंटी गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते वो मैराथन दौड़ नहीं पाया, मुझे लगता है वो T20 भी नहीं खेल पाएगा। ठीक है अमिताभ, दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने क्या कहा, उनकी तरफ से क्या नाराजगी जाहिर की गई, जरा दर्शकों को पहले ये सुनवाते हैं। हम इंडिया डाला है तो हमको एक बार जानिए जे दीदी अपने राज्य जाते जाना ही सुतरा हमारे साथ कोई संपर्क नहीं बांग्लार बेपार और इंडिया की करब ना करब अपना इलेक्शन भाव हमारा सेकुलर पार्टी हमारा बीजेपी के हारने को जा कर क्योंकि एम को चर्चा नहीं मिथ्ये कथा एब्सोल्युटलि रॉन्ग मिथ्येटा बोलो ना बोलते एब्सोल्युटलि रॉन्ग को कागज ये नहीं पॉलिटिक्स करते ये रॉन्ग और एक कथा बोलते कादिर शेख अने के पॉलिटिक्स कर। तो ममता बनर्जी साफ तौर पर नाराज हैं, प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया था, प्रस्ताव नहीं माना गया और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव हमने दिए वो सभी ठुकरा दिए गए, अब हम अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लगातार अमिताभ हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। अमिताभ, ये भविष्य क्या होगा ये तो बड़ा सवाल है ही, अब बीजेपी इस पर और निशाना साधेगी क्योंकि वो पहले से ही कहती आई है कि ये दल यहाँ पर एक साथ जरूर मिल गए, किसी के दिल नहीं मिल रहे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ऐसे ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी के लिए तो ये खुशखबरी है ही, अगर ममता अकेले लड़ रही है, ममता सेक्युलर गठबंधन की बात कर रही है, ममता कह रही है वो सेक्युलर दल होने के नाते सेक्युलर ताकतों की जीत दिलाने के लिए बीजेपी से लड़ेंगी, यानी वो कांग्रेस को मानती नहीं कि वो सेक्युलर ताकत हैं या फिर सेक्युलर गठबंधन को कांग्रेस एकजुट करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस के ऊपर जो ममता ने अभी लगाया है। दूसरा, वो अकेले लड़ेंगी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और उन क्षत्रपों के लिए, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे केरल के हों, चाहे वाम दल के साथ केरल में भी गठबंधन मुश्किल है, अब बंगाल में भी मुश्किल है, तमिलनाडु में स्टालिन, अगर कांग्रेस अगर स्टालिन की बात मानती है, अगर उतनी सीटों पर आती है जितनी पर वो जीतती है। और अमिताभ, आपको रोक रही हूं, उस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नलिन कोहली जी, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अकेले वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, इंडी गठबंधन के लिए कैसे देख रहे हैं ममता के इस फैसले को?
इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अमिताभ जी अभी बता रहे थे, हर राज्य में जो परिस्थिति है और उसकी क्या राजनीतिक का परिणाम हो सकते हैं उसकी तरफ संकेत कर रहे थे। ये इंडी अलायंस ये केवल एक कागजी गठबंधन है। गठबंधन एक गंभीर शब्द है, उसमें स्पष्टता होती है भाई नेता कौन है, एजेंडा क्या है, दफ्तर क्या है, निशान चिन्ह क्या है। केवल राजनीतिक दल के नेता कभी चाय पे मिले वो गठबंधन नहीं होता, वो मुलाकात होती है। और गठबंधन नाम की चीज बनी नहीं। अब जो ममता जी ने आज कहा है, बड़ी स्पष्टता से कहा है कि भाई गठबंधन नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ना थोड़ी ना गठबंधन। नलिन अमिताभ बोल रहा हूँ, एक सवाल है आपसे। नलिन, ये अभी असम से राहुल गांधी की यात्रा मुझे लगता है बंगाल भी प्रवेश करेगी, ऐसे में इंटी गठबंधन को मजबूत करने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका है बंगाल घुसने के पहले, क्योंकि ये कहते हैं कि 6 महीने समाजवादी साथ नहीं रह सकते, फिर 6 महीने अलग भी नहीं रह सकते। क्या ये सब मिलने की कोई गुंजाइश बची है इन लोगों के बीच? अमिताभ जी, आपने बहुत स्पष्ट बात अच्छी बात कही है। राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रवेश के पहले ही राहुल गांधी जी को स्पष्ट बताया जा रहा है कि ममता जी क्या समझती है उनके नेतृत्व को लेकर, क्या समझती है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहले भी आया था कि 2 सीटें देंगे, ऐसी मीडिया में आमने सामने बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों पार्टियां लड़ रही हैं आमने सामने। फिर वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस का रिश्ता है, वो कैसे ममता जी के साथ साथ काम कर सकते हैं या ममता जी उनके साथ कर सकते हैं। तो ये यात्रा के ऊपर अगर आप देखें, असम में जबरदस्ती कानूनी व्यवस्था पर वार करके, वहां पर शांति को भंग करके जो बाहर से लाए गए कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वहां क्या की? तो ये सिर्फ राहुल गांधी। नलिन, एक मिनट में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता और नेता है नीरज सिंह। नीरज भाई, एक सवाल आपसे बनता है कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया, कर्पूरी जी को भी बीजेपी मोदी सरकार ने भारत रत्न दे दिया है, क्या बिहार में भी इंडी अलायंस को झटका लगने में अब कुछ ही वक्त बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई? पहला तो देखिए, माननीय ममता बनर्जी जी बड़े नेता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनका विचार आया है कि भाई वो अकेले लड़ेंगे चुनाव, यह तो गठबंधन धर्म के विपरीत है। और इसके पहले भी जब बैठक दिल्ली में हुई थी तो उन्होंने बगैर किसी से बातचीत किए नाम आगे किया, तो वो गठबंधन के विपरीत तो उनका राजनीतिक आचरण है, क्योंकि बड़े नेता है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इंडी वाले तो नीरज भाई, नीतीश जी की भी नहीं सुनते, संयोजक बनाना था बनाया नहीं, बिहार में जितनी पहली बात तो क्या उस पद के ना हम कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं, हमारी बात नहीं मान रहे तो जाने, हम लोगों तो पहले ही कह दिया था, 1.5 साल से कह रहे हैं अलायंस कीजिए तो ठीक से कीजिए। नीरज भाई, ममता जी ने कहा कि हमने जितनी सीटों पर लड़ने कहा, हमने जो सीटों का गठबंधन के बारे में कहा इतनी सीटों पर लड़ी है, कांग्रेस मान नहीं रही है, इसलिए सेक्युलर दल होने के नाते वो अकेले लड़ेंगी। आप भी तो कह रहे हैं कि 17 आप लड़ेंगे, 17 वो लड़ेंगे, कांग्रेस इतनी लड़े, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही है, तो वही हाल है जो बंगाल का है वो बिहार का भी। हम लोगों की बात कहीं सार्वजनिक नहीं हुआ है, कोई सार्वजनिक दावा नहीं किया है, और हम लोग आपस में सरकार में पार्टी है ना, चला रही है सरकार ना, कहीं कोई विवाद है? ये तो बैठ करके समस्या का, लेकिन एक तरफा ऐलान थोड़ी हो गया, एक तरफा ऐलान उन्होंने बंगाल में कर दिया जो दुखद है। लेकिन आप लोग बैठने के बाद भी समस्या हल नहीं रही नीरज भाई, अब तो हम अगला उम्मीद करें कि अगला ऐलान भी बिहार से होगा। ये अभी वो परिस्थिति बिहार की नहीं है। चलो नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका, यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से नाराजगी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रस्ताव हमारी तरफ से रखे गए सभी ठुकरा दिए गए, और यही वजह है कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पर वो जमकर बरसी है। और न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी इस वक्त निकाल रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में भी प्रवेश करने वाली है, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी ने यह नाराजगी जाहिर की कि शिष्टाचार के नाते भी उनको कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई। तो अब भविष्य क्या होगा, बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर अब इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी इसे लेकर हमलावर रही है कि एक घमंडिया गठबंधन है, यहां पर तमाम नेता जरूर मिले हैं, दल जरूर मिले हैं, लेकिन इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नियत नहीं है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित का सीधे रुख करते हैं। अमित,
किस तरीके से इस फैसले को अब देखा जाए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का ऐलान हो चुका है, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद देखिए, जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे थे कि जो इंडी गठबंधन शुरुआत से ही यह दिखा नहीं सका कि हम एक संयुक्त ब्लॉक के रूप में हम एक चुनौती पेश करेंगे सत्तारूढ़ गठबंधन को, और जब ममता बनर्जी का ये बयान आता है तो जाहिर सी बात है कि जो दो तीन या हम यूं कहें कि 5 सीट तक की कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी बंगाल में, अब तो उसे 1 सीट भी यहाँ पर टीएमसी की ओर से मिलने की संभावना नहीं है। और ये बहुत अहम चीज है कि इससे पहले कई दौर की बैठक भी हो चुकी है यहाँ से। इसका मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन भी हो रहा है, जो भी समझौते की भी कोशिश हो रही है, उसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है, और ये चुनावी रणनीति में, चुनावी तैयारी में बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के साथ साथ पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को। और इसका जो असर है बिहार के अलावा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सबक है अब कांग्रेस के नेताओं को, इंडी गठबंधन के नेताओं को, कि वह आने वाले दिनों में जो भी अपनी रणनीतिक पहल करते हैं, जो वार्ता करते हैं, उसको बेहद पुख्ता तरीके से करें, कम से कम कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल तक तो पहुंचे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए दिक्कत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, अमिताभ जी भी हमारे साथ बने, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अमिताभ, बस यही जिसका जिक्र अमित कर रहे थे कि जो बंगाल में हुआ उसका असर बिहार में भी होगा, उसका असर महाराष्ट्र में भी होगा, बाकी और भी किसी राज्य से क्या इस तरह की खबर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये इस गठबंधन के बनने के क्या मायने फिर? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसी खबर जरूर आएगी, महाराष्ट्र इससे अछूता नहीं है। पहले भी शरद पवार की पूरी पार्टी अलग हो चुकी है उनसे, शिवसेना पूरी की पूरी तरह से टूट चुकी है, कांग्रेस के कई नेता भागने को तैयार बैठे हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र अछूता रहेगा। लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे आती जाएगी, मुझे लगता है कि जो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज है वो महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जहाँ तक बिहार की बात है, अभी आपने नीरज सिंह उनके प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि हमारी बात भी कहाँ सुनी जा रही है, लेकिन बंद कमरे में हम लोग बैठ रहे हैं। अभी परिस्थिति, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वैसी घड़ी आ सकती है, अभी परिस्थिति वैसी हुई नहीं है, यानी बंगाल के बाद बिहार में ऐसा हो सकता है। तो आप राज्यवार अगर देखें तो बिहार, बंगाल असम में उनकी सरकार नहीं है, अगर उसके आगे बढ़ें उड़ीसा में नवीन पटनायक ने साफ कर दिया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, उसके आगे एक आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम भी न्यूट्रल रहेंगे। तमिलनाडु में उनकी सरकार है स्टालिन की, वो भी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी है। केरल में वाम दलों के साथ सरकार है। तो ये पूरे के पूरे अगर भारत के भ्रमण को हम लोग कर लें अगर अभी तो उसमें ही पता चलेगा कि इंडी गठबंधन सिर्फ कांग्रेस और छोटी छोटे दलों तक ही सीमित रह गया है। बड़ी पार्टियाँ अपनी ताकत गंवाना नहीं चाहती और कांग्रेस अपना आधार खोना नहीं चाहती, और उन बड़ी पार्टियों को ये डर है कि